मुकद्दसा मरियम जब यीशु मसीह की जिंदगी में आने को थे तो पहले देखें उनकी मुश्किलात का आगाज कैसे हुआ। कुमार बनने एक बच्चे को जन्म दिया गया। जो पहली खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी है, उन्होंने भी एक बैरियर बनाया है कि जिस जिस मोहल्ले पे वो खवातीन नहीं जा सकती, वहां पे कोई अगर खातून पहुंचती है तो हम उसको सलाम पेश करते हैं। मैं उन तमाम बेटियों को, बहनों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पहली दफा मोटरसाइकिल चला के इस मुआशरे का टैबू तोड़ा, इस मुआशरे की गलाजत को फेंक दिया, उन्होंने आगे फेंक दिया कि उन्होंने मर्द के बराबर आगे जब उन्होंने रिक्शे के इंतजार में या गाड़ियों के इंतजार में परेशान दो दो घंटे खड़ी रहती थी। उन लड़कियों ने जुरत की और उन लड़कियों ने जुरत की जो पुलिस में आई, उन लड़कियों ने जुरत की जो डॉक्टर बनी और उस तरह उन्होंने बाहर निकल के अपने कौम के लिए खिदमत दी। जो हमारी पास्टर बहनें हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो अपनी जिंदगियां वक्त करती हैं, वो भी हाजिर तराजत तसीम उनको भी पेश करना चाहिए। और दो तीन इंटरनेशनल खवातीन हैं जिनका मैं जिक्र करता हूँ। एक रोजा पार्क, ये वो खातून थी जब मिंट घूमरी एक अमेरिका में एक बस सर्विस, मिंट घूमरी बस सर्विस, वहां पे काली जो काले लोग थे हबशी जिनको हम कहते हैं उनको सफर करने की इजाजत नहीं थी, तो इस बस सर्विस में सिर्फ गोरे लोग सफर करते थे। तो रोजा पार्क एक दिन बस में बैठ गई और जब वो तब वो बस खाली थी और जब उसने एक गोरा आया और फिर उसके ड्राइवर ने कहा इस खातून को जब बस मार गई आपको आप इस गोरे शख्स को जगह दो, तो उसने इनकार कर दिया रोजा पार्क और उसको उसने उन्होंने जबरदस्ती बस से उतार दिया। तो फिर वो रोजा पार्क ने एक मूवमेंट चलाई और फिर उन्होंने अमेरिका में जब गुलामी का दौर था तो ये वो खातून थी जिन्होंने जदोजहद की और वो गुलामी को उन्होंने उतार फेंका और आज यहाँ पे लोगों में सिविल राइट्स का कन्वेंशन हुआ और लोग तमाम बराबर के शहरी हैं। फिर इसी तरह मैं एक खातून थी अमेरिकन पैकवाज, वो यूनाइटेड बर्तानिया में की एक मूवमेंट चलाई, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट, और इन्होंने वोट का हक लिया जिसकी वजह से आज सारी खवातीन जो अपना हक के रह गई यदि वोट का हक इस्तेमाल करती हैं। ऐसी बहुत सारी और खवातीन हैं जिस तरह एक मैरी क्यूरी है जिन्होंने ग्लोबल दुनिया का नोबेल इनाम सबसे पहले हासिल किया, ये एक साइंटिस्ट थी, फिजिक्स की साइंटिस्ट थी और केमिस्ट्री की, तो इन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी होती है जो हम देखते हैं चलती है और जिससे एक्सरे की यूरिनेशन वाले एक्सरे होते हैं और जिससे हम अंदर देख सकते हैं, ये इन्होंने ये थ्योरी पे काम किया और इसमें इन्होंने दुनिया का पहला नोबेल इनाम जो था साइंस के मैदान में वो हासिल किया। तो ये रोशन मिसाले हैं हमारे खवातीन की। पहले एक बेटी हमारी यहाँ पे स्पीच कर रही थी, हमारी बहनी अपने घर की गुर्बत के खात्मे के लिए लगाई और उनकी शादियां भी बिचारी की ज्यादा हो सकी, मगर वो बुढ़ी हो गई इस गुर्बत से लड़ते लड़ते, क्योंकि वजह ये थी कि हमें अब मुआशी इस्तेकाम उनके पास नहीं था। ऐसे घर हैं जहाँ पे बेटियों ने उनके भाई नशे का शिकार है, उनके बाप नशे का शिकार है, घर पे कोई नहीं, लेकिन वो बेचारी चाहे वो ब्यूटी सेंटर में काम करे या पढ़ाए, लेकिन बेटियों ने उनके लिए कुर्बानियां दिया दी, उनको बुढ़ापे में संभाला और उनके साथ ये दुनिया में शामिल हुए। तो बेटियों का एक बहुत बड़ा मकाम है, अंधे खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है, उनको कारोबार में लेके आना है, उनको आईटी के शोबे में लेके आना है और जो पढ़ाना है बच्ची को सिर्फ उनको निसाबी तालीम नहीं देनी बल्कि उनको टेक्नोलॉजी की तालीम देनी है, उनको हुनरमंदी की तालीम देनी है, उनको सियासी मैदान में लेके आना है। आपने देखा कि हमारे क्रिश्चियन अभिनेतों में हमारी खवातीन सियासी मैदान में नहीं रहती,
हम समझती है कि ये दुरुस्त थी और मैं समझता हूँ अब ये बातें हैं पाकिस्तान होता है उनको कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज को बातचीत के जरिए उनको कायल करें कि अब वो दौर नहीं रहा कि खवातीन को जानवरों की तरह मारा पीटा जाए, उन पे तशद्दुद किया जाए। और बिल्कुल पाकिस्तान का जो कानून है इसमें ऐसे कवानीन है, वुमेन प्रोटेक्शन हमारी मौजूद है। अगर कोई जान बूझ के नहीं मार जाता और खवातीन पे हमले होते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उसके लिए हम कानून से भी मदद लेके आ सकते हैं। ये चंद हमारे भाई बैठे हैं, ये मत समझे कि मैं बगावत करवा रहा हूँ खवातीन को या उनको उकसा रहा हूँ कि वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे भाइयों को भी जो मर्द इस गंदी आदत का शिकार है, जो तशद्दुद करते हैं, मैं समझता हूँ कि जो खवातीन घरों में काम करती हैं उनको जरूरी तौर पर हम फैमिलियों में ये अडॉप्ट करें कि हम उनको महीने में एक दफा कोई रेक्रिएशन दिन उनका दें, उनको छुट्टी दें, वो बाहर घूमे, वो पार्क में जाए, वो अपनी इंटरटेनमेंट कर सके, वो जो भी करना चाहे। तो ये तो नहीं कि बस जानवरों की तरह हमने उनसे काम ही करवा रहे हैं, काम ही करवा रहे हैं। अब हम तमाम लोग जो हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे खवातीन, उनका रोल फर्क हो सकता है लेकिन तमाम लोगों के हकूक बराबर है। इसलिए हमें खवातीन की बराबरी की बात माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान करती है, इक्वालिटी की बात करती है कि तमाम जो खवातीन है उनकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं आज अपनी बहनों को बेटियों को ये दावा देता हूं कि आप आए, क्योंकि जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने हालात को बदलना है, तो जद्दोजहद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सुहाने ख्वाब, ये परियों के जैसे ख्वाब देखना, ये अफसानों में अच्छा लगता है, तस्वीरों में शायद अच्छा लगे या फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मतलब है। हकीकत में कोई शहजादे परियों को बयाने नहीं आते, ये हम भी बचपन से सुनते आए हैं, हमारी बहनें भी, हमारी माएं भी सुना सुना के। यहाँ पे अपनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और हम नसीब जो पाकिस्तान में सिर्फ 1% है, 1.58%, और जो मुश्किल तरीन हालात से गुजरे हैं, जिन्हें इस्तेसाल का सामना है, मजहबी इस्तेसाल का सामना है, जिनसी इस्तेसाल का सामना है, जिनके पास मौके नहीं है, जिनके पास अच्छे घर नहीं है, जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है, जिनके पास अच्छी तालीम नहीं है, तो हम लोगों को कठिन मेहनत करनी पड़ती है अपने हालात से लड़ने के लिए, अपने हालात को तब्दील करने के लिए। तो आज हम ऐड करेंगे मुकदमा की आज उनका भी उन्होंने सामना किया तशद्दुद है, जद्दोजहद करी है, बल्कि बराबर और यकसां खून लेकर हमने पाकिस्तान में एक सुर्ख मसीही कौम बनना है, एक बाबरदार इंडियन बनना है, ताकि हम अपने जो बच्चे जो हमारी को एक अच्छा माहौल देके जाना है, ताकि उनका कुछ इस्तेमाल ना कर सके।